दोस्तों रियलमी बहुत ही जल्द नया और एक स्मार्टफोन रियलमी नंबर सीरीज पर लॉन्च करने वाला है, रियलमी 11 प्रो सीरीज फोन। ये फोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, मई में ये फोन लॉन्च हो जाएगा, ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया। और ये फोन का पूरा डिटेल्स भी बाहर आ गया, स्पेसिफिकेशन भी बाहर आ गया। तो आज मैं इस फोन का कंपेरिजन करने वाला हूँ रियलमी 10 प्रो प्लस फोन से, रियलमी 11 प्रो प्लस फोन के साथ। ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपेरिजन करने वाला हूँ, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है और क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है यहाँ पे Realme 11 Pro Plus फोन में। क्या आपको Realme 10 Pro फोन परचेस कर लेना चाहिए Pro Plus फोन, या फिर वेट करना चाहिए Realme 11 Pro Plus फोन के लिए? अगर आप जानना चाहते हो इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, कौन सा फोन लेना बेटर रहेगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करें तो डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले में यहाँ पे कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, दोनों फोन में ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले होने वाला है। 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है दोनों फोन में। नॉच नहीं दिया, छोटा सा पांचोल दिया गया। सेंटर में एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया और दोनों फोन में आपको या फिर कोव डिस्प्ले मिल जाता है, 3D कोव डिस्प्ले दिया गया। जैसे Realme 10 Pro Plus फोन में कोव डिस्प्ले दिया गया, ऐसे ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा 11 Pro Plus फोन में। तो डिस्प्ले में यहाँ पे कोई अंतर नहीं होने वाला है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो कैमरा में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। Realme 10 Pro Plus फोन जो है इसमें त्रिफुल गियर कैमरा सेटअप दिया गया, जो प्राइमरी सेंसर है 108 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया, और जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया, और जो टार्ट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Realme 11 Pro Plus फोन इसमें भी त्रिफुल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, यहाँ पे त्रिफुल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा ये 200 मेगापिक्सल का f1.7 अपर्चर के साथ में दिया जाएगा, यह सैमसंग का सेंसर यूज किया जाएगा। साथ में इस फोन में वॉइस देखने को मिल जाएगा, और जो सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल होने वाला, और जो टार्ट कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए देखने को मिल जाएगा, या माइक्रो सेंसर दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा का बात करें तो सेल्फी कैमरा दोनों फोन में सेम मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। तो सेल्फी कैमरा में यहाँ पे कोई अंतर नहीं होने वाला है, रियर कैमरा में यहाँ पे क्लियर विनर बन जाता है Realme 11 Pro Plus फोन। कैमरा कटआउट में भी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, Realme 10 Pro Plus फोन में यहाँ पे डुअल कटआउट दिया गया साइड में कर्नर पर। यहाँ पे बात करें तो Realme 11 Pro Plus फोन इसमें आपको सेंटर में सर्कल कटआउट के साथ देखने को मिलेगा कैमरा। तो यहाँ पर कैमरा सेटअप जो है यहाँ पे थोड़ा बेटर होने वाला है Realme 11 Pro Plus फोन में। तो यहाँ पे कैमरा में क्लियर विनर बन जाता है 11 Pro Plus फोन। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो Realme 11 Pro Plus फोन में, ये फोन में जो प्रोसेसर होने वाला है ये अभी ऑफिशियली कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है, तो लीक्स का थ्रू पता चल रहा है ये Dimensity 7000 सीरीज का प्रोसेसर दिया जाएगा। 7000 सीरीज में 3-4 प्रोसेसर आता है, इन 3-4 प्रोसेसर में से किसी भी एक प्रोसेसर इसमें दिया जाएगा, यह अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ है। डायमेंसिटी 7000 या फिर 7200 या फिर 7020 प्रोसेसर हो सकता है इस फोन में दिया जाए। अगर इन तीनों में से किसी भी एक प्रोसेसर दिया जाए तो ये काफी अच्छा बढ़िया रहेगा। अब अगर कंपेयर करें तो Realme 10 Pro Plus फोन से, Realme 10 Pro Plus फोन जो है इसमें दिया गया MediaTek का प्रोसेसर, MediaTek Dimensity 1080 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया। इसका क्लॉक स्पीड है 2.6 GHz क्लॉक स्पीड चलता है, ये भी काफी अच्छा बढ़िया प्रोसेसर है, लेकिन इससे काफी गुना बेटर है यहाँ पे Dimensity 7000 सीरीज प्रोसेसर। तो इस प्रोसेसर के साथ अगर ये फोन आया तो ये काफी अच्छा बढ़िया बेटर रहेगा, बढ़िया अपग्रेड देखने को मिलेगा। कुछ लीक्स में यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे जो प्रोसेसर 10 प्रो फोन में दिया गया है वही प्रोसेसर आपको इस फोन में भी देखने को मिलेगा, Dimensity 1080। तो मुझे लगता नहीं इस प्रोसेसर के साथ आएगा, ये 7000 सीरीज प्रोसेसर के साथ ही आएगा। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो OS यूजर इंटरफेस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों फोन में एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। साथ में यहाँ पे Realme UI 4.0 दिया गया है। यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.3 ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है।
दोनों फोन में 3.5 mAh ऑडियो जैक भी नहीं दिया है। या फिर बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है। बैटरी पर यह पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे फास्ट चार्जर को देखा जाए तो फास्ट चार्जर पर यहाँ पे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। रियलमी 10 Pro Plus फोन जो है इसमें 67 W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें तो रियलमी 11 Pro Plus फोन जो है इसमें आपको 100 W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, साथ में सपोर्ट भी दिया जाए। कुछ लिक्स में पता चला इसमें 80 W चार्जर होने वाला है, और कुछ लिक्स में पता चला यहाँ पे 100 W चार्जर के साथ ये फोन आने वाला है। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये 100 W चार्जर के साथ आएगा। अगर 80 W के साथ भी आया तो भी फिर यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रीवियस वर्जन है Realme 10 Pro Plus फोन इसमें आपको 67 W का चार्जर देखने को मिलता है, तो इसमें 80 W या फिर 100 W का चार्जर देखने को मिलेगा। बिल्कुलिटी डिजाइन का बात करें तो बिल्कुलिटी डिजाइन दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी मिल जाता है, बढ़िया ग्लासिक फिनिशिंग के साथ आता है, ग्लास पैक देखने को मिल जाता है, ग्लासिक फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पे बात करें तो Realme 11 Pro Plus फोन जो है इसमें आपको ग्लास देखने को नहीं मिलेगा, ग्लास के साथ भी आएगा और इसमें लेदर डिजाइन के साथ भी आएगा। तो यहाँ पे दो वर्ण देखने को मिलेगा, एक मिलेगा ग्लासिक डिजाइन के साथ आएगा और एक आएगा लेदर डिजाइन के साथ, जो स्पेशल वारंट होगा इसमें आपको लेदर डिजाइन देखने को मिलेगा बैक साइड पे, काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन के साथ आने वाला। तो डिजाइन पर यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर रहेगा Realme 11 Pro Plus फोन। इसमें कैमरा कटआउट भी काफी अच्छा बढ़िया सेंटर में, बैक साइड में सेंटर में देखने को मिल जाते हैं, सर्कल कैमरा कटआउट दिया गया है। ये डिपेंड आप पर करता है आपको कौन सा डिजाइन बेटर लगता है, साइड में कैमरा कटआउट वाला डिजाइन, ग्लास डिजाइन, या फिर आपको लेदर टाइप डिजाइन जो कैमरा कटआउट सेंटर में देखने को मिलेगा, बड़ा सा यहाँ पर कैमरा कटआउट देखने को मिलेगा, कौन सा डिजाइन आपको बेटर लगता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 11 Pro Plus फोन थोड़ा बेटर रहेगा। यह था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स ये दोनों फोन का, या पर जो Realme 11 Pro Plus फोन है इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन कंफर्म है और कुछ स्पेसिफिकेशन अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। लिक्स का थ्रू जो स्पेसिफिकेशन पता चला वही स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूं। या पर अगर जो स्पेसिफिकेशन दिया गया Realme 11 Pro Plus फोन में जो बताया जा रहा है इस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होएगा, अगर इस स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पे ये फोन आया तो यहाँ पर क्लियर विनर बन जाएगा Realme 11 Pro Plus फोन। इसमें आपको काफी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। या पर फिर से और एक बार फोकस कर लेते हैं कौन सा फीचर आपको यहाँ पर इस फोन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा Realme 11 Pro Plus फोन में। इसमें तो पहले आपको कैमरा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इसमें परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगा, इसमें फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, इसमें बिल्कुलिटी डिजाइन बेटर देखने को मिलेगा और इसमें आपको जो कनेक्टिविटी है कनेक्टिविटी थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। दोनों फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर जो है इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों फोन में मिल जाता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा बढ़िया होने वाला है, लेकिन यहाँ पर प्राइस देखा जाए तो प्राइस पर भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो Realme 10 Pro Plus फोन है ये 25,000 से स्टार्टिंग होता है, 24,999 रुपीस से। अगर यहाँ पे बात करें तो Realme 11 Pro Plus फोन तो ये फोन का प्राइस आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, या 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस फोन के लिए। ये फोन का प्राइस 30,000 से स्टार्टिंग होगा, मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ पर ये 30,000 से स्टार्टिंग होगा। ये 6GB रैम से लेकर यहाँ पर 16GB रैम तक आपको देखने को मिलेगा और 1 TB तक इंटरनल स्टोरेज भी होने वाला है। तो यहाँ पर काफी अच्छा बड़े अपग्रेड के साथ आने वाला है Realme 11 Pro Plus फोन। आपको इन दोनों फोन में कौन सा फोन बेटर लगा, क्या आप वेट कर रहे हैं Realme 11 Pro Plus फोन के लिए, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ पे 10 सीरीज का फोन परचेस करने के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हैं Realme 11 सीरीज फोन के लिए। ये 1-2 महीने के अंदर ये फोन इंडिया में आ जाएगा, तो ये फोन काफी अच्छा बढ़िया अपग्रेड के साथ आ रहा है, ये फोन आप परचेस कर सकते हैं आने के बाद। जब ये फोन ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा और सभी स्पेसिफिकेशन बाहर आ जाएगा तो फिर से मैं आप लोगों को कंपैरिजन बना के और एक वीडियो दे दूंगा इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन की तरफ आप जाना चाहोगे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।